मसाओ, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर आ सकता हूँ? अरे शिनचैन, मैं तुम्हें अभी फोन करने ही वाला था। हम सब दोस्तों ने आज रात हॉरर गेम खेलने का प्लान बनाया है। लेकिन मैं चोको चिप्स नहीं खरीद पाऊंगा क्योंकि इस सिटी में चोको चिप्स मिलते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इस घर में ना ही मसाओ और कजामा है न और कुछ। यहाँ पर कोई चेयर वगैरह तो रखनी चाहिए थी। चपड़ चुकी है। अरे ये भूत सा कौन है? मुझे कोई बचाओ वरना ये मुझे मार डालेगा। अरे रे, मैं क्या करूँ, आज भी मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। ना तो घर पर मॉम है ना खेलने के लिए कोई, और मैं अकेला बैठे बैठे घर पे बहुत बोर हो गया हूँ। यहाँ तक कि मेरा टीवी भी खराब है, ना मैं उसमें एक्शन कामें देख सकता हूँ और ना मेरी प्यारी किचन में मेरे लिए खाने के लिए चोको चिप्स है। चलो देखते हैं, क्या पता कुछ खाने का पड़ा हो। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो चोको चिप्स क्या, कुछ भी खाने को नहीं पड़ा है। अब मैं क्या खाऊंगा, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा और मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। मॉम घर पे नहीं होती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऊपर वाला रूम भी बिल्कुल खाली पड़ा है। मेरे को एक दो गेम बाजार से ले आने चाहिए ताकि मैं अकेले में बैठ के उन गेम्स को खेल सकूं। लेकिन अभी मेरे पास कोई भी गेम नहीं है। अरे हाँ, मेरे घर के बैकयार्ड में तो एक बहुत बड़ा ट्रैम्पोलिन है, मैं उस पे बहुत मजे से कूद सकता हूँ। अरे वाह वाह, इस ट्रैम्पोलिन पे कूदने में तो बहुत ज्यादा मजे आते हैं। लेकिन एक मिनट, इस ट्रैम्पोलिन पे मैं कितनी देर तक कूदूंगा? और जितना खेलूंगा उतना भूख लगेगी, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो चलो अभी इस ट्रैम्पोलिन से उतरते हैं क्योंकि इस पे भी खेल खेल के मैं बोर हो चुका हूँ। पता नहीं क्या करूँ, मन तो ऐसे कर रहा है यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं। लेकिन एक मिनट, दूर चला जाऊं, मेरे पास तो एक बहुत बढ़िया आइडिया आ चुका है कि मैं मसाओ और कजामा के घर चला जाए क्योंकि वो दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन दोनों के साथ खेलूंगा, फिर बो और नैनी भी वहीं पर आ जाएंगे। तो आज की रात उन्हीं के घर चलते हैं और वहाँ पर जाके बहुत ज्यादा मजे करेंगे। तो चलो सबसे पहले मसाओ को फोन करके पूछ लेते हैं वो बिल्कुल बुलाएगा या फिर नहीं। लेकिन एक मिनट, मसाओ फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे मसाओ जल्दी फोन उठा। हेलो, कौन? हेलो शिनचैन बोल रहा हूँ। मसाओ, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर आ सकता हूँ? अरे शिनचैन, मैं तुम्हें अभी फोन करने ही वाला था। हम सब दोस्तों ने आज रात हॉरर गेम खेलने का प्लान बनाया है। तुम मेरे घर के पास वाले विलेज में आ जाना, वो घर में हमने पूरा का पूरा प्लान बनाया है। क्या हॉरर गेम खेलने का प्लान? अरे फिर तो मैं अभी निकल रहा हूँ अपने घर से, रात होने से पहले पहले निकल लेते हैं। ओके दोस्तों, तो चलो चलते हैं। ये लोग ने तो मुझे खुद ही बुला लिया, यानी कि आज की रात बहुत ज्यादा एडवेंचरस होने वाली है। ये सब एक हॉरर गेम खेलने वाले हैं। तो चलो, मैंने फटाफट से घोड़ू को यहाँ से ले लिया, रेलवे स्टेशन आप लोग को पहुँच कर मिलता हूँ। ओके दोस्तों, इस पूरी ट्रेन में मैं ही अकेले इस सिटी में आया हूँ और इस सिटी में आते ही मैंने कार बुक कर दी है। मैंने मर्सिडीज कार मंगाई है जो कि मेरे एक पासी वाले दोस्त की है, तुम देख पा रहे होगे। लेकिन एक मिनट, मैंने तो मर्सिडीज कार मंगाई थी, यहाँ पर ये शेवलेट कार कौन लेके आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कार तो मैंने मंगवाई भी नहीं, ये बहुत पुरानी विंटेज कार है। अरे नहीं, मेरे को लगता है ये कार किसी और की है और ये है मेरी कार। तुम देख पा रहे होगे, ये है वो मर्सिडीज कार जो कि मेरे पासी वाले दोस्त की है। कैसी लग रही है? जल्दी से इस कार के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो फटाफट से कार में बैठ के निकलते हैं पासी वाले गांव की तरफ क्योंकि वहीं पे मुझे मसाओ ने बुलाया है और हम सब वहीं पर एक हॉरर गेम खेलने वाले हैं। आज तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, चलो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। ओके, तो मैंने कार स्टार्ट कर ली है और रास्ते में जाते हुए कुछ बढ़िया सा खाने पीने को ले लूंगा, जैसे कि चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, ताकि रात में हम बहुत ज्यादा मजे कर पाए। लेकिन मैं चोको चिप्स नहीं खरीद पाऊंगा क्योंकि इस सिटी में चोको चिप्स मिलते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मजे तो हम लोग बहुत करेंगे। तो आप लोग मेरी ड्राइविंग स्किल्स को देख के बताना मैं कैसी कार चलाता हूँ। चलाता हूँ ना एक नंबर की कार। और तुम लोग को मैं एक चीज दिखाऊंगा अभी, बहुत अमेजिंग, आगे देखना तुम लोग को पता चल जाएगा। अभी तुम देखो ये कार कितनी अच्छे तरीके से भाग रही है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे वो विलेज मिलेगा, बट उस विलेज से पहले एक कच्चा रास्ता है जिसमे की मैं हर बार ये करता हूँ। बताओ कैसा लग रहा हूँ? जल्दी से अब लाइक कर देना क्योंकि ऐसी चीजें मैं बार बार दिखाता नहीं हूँ। जो लाइक करेगा उसको दोबारा मिलेगी देखने को। लेकिन अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से निकलते हैं उस विलेज की तरफ वरना मैं लेट हो जाऊंगा और क्या पता वो लोग खेलना शुरू कर दें। ओके, तो मैंने इस विलेज में एंट्री ले ली है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक ऑफ रोडिंग वाली जगह है। यहाँ पर मैंने अपनी कार को आराम आराम से निकाल लिया और ये रहा वो विलेज जिसके अंदर मेरे को मेरे दोस्तों ने बुलाया था। तो चलो फटाफट से इस विलेज के अंदर चलते हैं और शुरू करते हैं आज का हॉरर गेम खेलना। पता नहीं मसाओ ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। वैसे मैंने सुना है ये माइनक्राफ्ट का सबसे स्कैरिएस्ट विलेज में से एक है, लेकिन मुझे तो कुछ इस विलेज में हॉरर भी नहीं लग रहा। चलो अब घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं मसाओ और कजामा है या फिर नहीं। लेकिन एक मिनट, इस घर में ना ही मसाओ और कजामा है और कुछ। यहाँ पर कोई चेयर वगैरह तो रखनी चाहिए थी। क्या मैं कुछ ज्यादा जल्दी आ गया? लेकिन मैंने घड़ी में टाइम देखा, मैं तो 30 मिनट लेट हूँ। कहीं ये लोग चले तो नहीं गए? तो चलो चल के देखते हैं। लेकिन बाहर भी यहाँ पर कोई नहीं है, तो ये सारे के सारे गए कहाँ? चलो घर के अंदर रह के इन लोग का वेट करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये इतनी अजीब सी चीज मेरे घर के बाहर कहाँ से आ गई और ये इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रही है? हेलो मसाओ और कजामा, क्या तुम यहाँ हो? और इनका फोन भी नहीं लग रहा और ये चीज क्या कर रही है? अरे नेटवर्क भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? ये चीज मेरे पीछे पड़ चुकी है। अरे ये भूत सा
कौन है, मुझे कोई बचाओ वरना ये मुझे मार डालेगा। फटाफट से घर में चलते है वरना तो मैं गया भाग छिंचन की। क्या हो रहा है दोस्तों, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही है, मेरी तरफ ही आ रहा है, यहाँ से निकल के भागना होगा।